हेलो एवरीवन, आप लोगों ने अभी अभी एक न्यूज़ देखी होगी कि CUT ने एक नोटिफिकेशन दिया है करेक्शन विंडो का, जिसके लिए कल तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों में से कई लोगों के डाउट थे कि सर, जो नई यूनिवर्सिटी ऐड हुई है और हमने उनको फॉर्म भरते समय फिल नहीं किया था, उसका क्या होगा। या कुछ बच्चों ने कहना था कि सर, हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है और हमने पहले जनरल भर दिया था। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा उस नोटिस को, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो उस नोटिस में क्लियरली बताया कि आप नेम, बाई चांस आपके नेम में, मदर नेम, फादर नेम में कोई मिस्टेक हुई हो, कैटेगरी, जेंडर या फिर चॉइस ऑफ फिलिंग, जो कॉलेज है, डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कोई भी मिस्टेक हुई, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो है कि चॉइस ऑफ फिलिंग यानी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए 30 सितंबर तक का टाइम है, इवनिंग तक का। तो मैं आप सबको बोलूँगा, एक तो आप पहले वो नोटिस ध्यान से पढ़िए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बाद में यूनिवर्सिटी ऐड हुई है और आपको ऐड करना है, तो आप अभी तो ऐड कर दीजिए, बाद में उसके लिए अप्लाई करना है कि नहीं, ये सेकंड थिंग है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा, अलग से फी देना होगा, पर आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका आपने फॉर्म के समय या अभी आप करेक्शन विंडो के समय कर देंगे। थैंक यू, और कोई भी अगर आगे न्यूज आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा।